और बताओ, सेकंड के दो सॉल्यूशन है और कोई?
पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार बेसिक आपको समझ में आ जाएगा फिर आप लोग ठीक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आर साइन थीटा इक्वल टू 3 है और आर की जगह क्या है 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3। आप समझ आइए कितना होगा 4 इंटू 1 इंटू साइन थीटा 4 साइन थीटा ये होगा 4 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको 6 माइनस 2 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये समझ आया आपको? अब इन दोनों में से क्या कॉमन बोलो 2 साइन थीटा क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 3 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस इसमें से 1 कॉमन 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉमन ये बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो या तो ये 0 होगा या फिर आंसर बता बेटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 थीटा कितना आंसर बता बेटा साइन थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा कितना होगा एंगल कितना होगा इधर से पाई के बीच कोई भी एंगल बता दे
और क्या है? आपने क्या किया होगा, साइन ए माइनस साइन बी और टू बी साइन सी माइनस साइन डी लगाकर टू कॉस सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू और इसको आपने क्या सॉल्व किया होगा, कॉस कॉस सी ए माइनस कॉस बी ये होगा कॉस सी माइनस कॉस बी और द टू साइन सी प्लस बी बाई टू सी प्लस बी बाई टू या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो है ना, दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, दोनों में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो, इसमें या तो ये भी जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो, लेकिन ये टर्म दोनों में कॉमन है, अगर ये जीरो होती है तो इसको भी जीरो बना देंगे और इसको भी जीरो बना देंगे, इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी बीटा है जीरो, और आपको ये पता है कि साइन बीटा जीरो कब होता है, जब बीटा क्या हो एन बाई तो ए माइनस बी बाई टू क्या होना चाहिए एन बाई, ए माइनस बी क्या होना चाहिए टू एन बाई, तो ए क्या होना चाहिए टू एन बाई, ये आ गया इंटरप्ट ऑफ बी, सॉल्व करके बताओ तो Thank you.
ये आपने सॉल्व किया 16x² sec³θ माइनस 12 tan²θ। अच्छा इसके अंदर सारे टर्म क्यूब वाली और वन वाली सेक में है, तो स्क्वायर को भी सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एकदम सेक क्यूब थीटा माइनस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 4 sec³θ ये हो गया 16 sec³θ - 12 sec²θ + 9 ये बन गया 16 sec³θ - 12 sec²θ - 4 sec³θ + 3 = 3। अब इसको सॉल्व करेंगे x plus 1 factor x equal to 1 में सेटिस्फाई कर रहा है नमस्ते एक करा 1 by 2 plus 1 by 2 में चेक करो 1 by 8 into 16 कितना हुआ 2 और 12 इनटू 1 बाय 4 कितना हुआ 3 और ये माइनस 2 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस 3 प्लस 3 यस इसका मतलब sec थीटा की वैल्यू अगर 1 बाय 2 है तो इसको सेटिस्फाई कर रही है यस बात समझ आई। तो sec थीटा माइनस 1 बाय 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा और मुझे बताइएगा 16 इनटू sec क्यूब थीटा नेक्स्ट स्क्वायर की टर्म में क्या लिखूं sec थीटा माइनस 1 बाय 2 होना चाहिए माइनस 8 sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा। क्या ये बात समझ आई जब इसमें से मैं 16 sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 16 sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा 1 बाय यहां तो sec थीटा बचेगा माइनस 1 बाय 2 बचेगा यस बात समझ आई यस ठीक है। अब देखो ये माइनस 12 था मैंने माइनस 8 लिखा तो माइनस 4 भी अपने पास माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या प्लस करूँ 2 sec थीटा यस। अब इसमें से अगर मैं माइनस 4 sec थीटा कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा माइनस 4 sec थीटा तो यहाँ तो बचेगा sec थीटा प्लस माइनस 1 बाय 2 बात समझ आई यस। और अपने पास माइनस 4 sec थीटा था मैंने प्लस 2 लिखा तो माइनस 6 लिखना पड़ेगा यस और ये प्लस 3 और इन दोनों में से कॉमन देखिए 16 sec² थीटा तो ये बना sec थीटा माइनस 1 बाय 2 माइनस 4 sec थीटा sec थीटा माइनस 1 बाय 2 और माइनस 6 sec थीटा माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0 इन सभी में से sec थीटा माइनस 1 बाय 2 कॉमन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0 अब इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो sec थीटा माइनस 1 बाय 2 ये हो गया 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा और माइनस 3 तो बता सकता है क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो क्या लिखूं 8 थीटा 24 एंड 6 4 6 ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 बाय 2 8 sec क्यूब sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 6 sec थीटा प्लस 4 sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 ये हो गया sec थीटा माइनस 1 बाय 2 इसमें से क्या कॉमन sec 2 sec थीटा ये क्या बचेगा 4 sec थीटा माइनस 3 प्लस इसमें से 1 कॉमन 4 sec थीटा माइनस 3 इन दोनों में से क्या कॉमन एक तो मिला आपको sec थीटा माइनस 1 बाय 2 दूसरा मिला 4 sec थीटा
माइनस टेन, तो तीसरा मिला आपको टू सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों फैक्टर को वन बाय वन अगर जीरो पुट करता हूँ तो मुझे एक बार मिलेगा sec थीटा इक्वल टू वन बाय टू, दूसरी बार मिलेगा sec थीटा इक्वल टू थ्री बाय फोर, और तीसरी बार मिलेगा sec थीटा इक्वल टू माइनस। माधव तो sec थीटा वन बाय टू तो थीटा वन थीटा जाओ सर, sec थीटा अगर माइनस वन बाय टू तो थीटा क्या होगा? Not possible, sir. Not possible? Yes. आप समझ आई? Yes. और ये आप बताओ, sec थीटा 3 by 4 थीटा होगा? Not possible. आपको पता है sec थीटा की रेंज माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन और माइनस इनफिनिटी होती है। माइनस वन और वन के बीच में इसकी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, और ये सारी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं। आप समझ आई? नंबर ऑफ रूट्स जीरो, नो Thank you.
नेक्स्ट काउंटर के बाद चलते हैं। क्या करोगे घर जाके? कोई होमवर्क नहीं, सब छोड़ो। ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनके ग्राफ फाइव फाइव टाइम्स बनाना ग्राफ के अंदर, जब तक आपको अच्छे से जान नहीं होता सारे ग्राफ, सारा गेम ग्राफ है। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, बोलो साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या? तो x का जो भी कोएफिशिएंट उसका पहले हाफ करो और उसका स्क्वायर को प्लस और माइनस करो। जैसे इसका कोएफिशिएंट माइनस वन है, उसका हाफ माइनस वन बैठा, उसका स्क्वायर तो प्लस वन बाय फोर, फिर प्लस वन माइनस वन बाय फोर। अब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस वन बाय फोर। ठीक वैसे ही ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस फाइव बाय फोर, राइट हैंड साइड गया तो फाइव बाय। अब स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो साइन एक्स माइनस वन बाय टू ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट फाइव बाय टू। क्या ये समझ आया आपको? अब यहाँ से अगर मैं साइन एक्स फाइंड करने जाऊंगा तो साइन एक्स मुझे मिलेगा वन बाय टू प्लस माइनस रूट फाइव बाय टू, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय टू। किसी को डाउट है? नो डाउट। अब मुझे बताना वन प्लस रूट फाइव, रूट फाइव की वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री, थ्री पॉइंट टू थ्री बाई टू, तो वन से ग्रेटर वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो माइनस वाले वैल्यू वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये पॉसिबल है? वन माइनस टू पॉइंट टू थ्री, तो माइनस वन पॉइंट टू थ्री डिवाइड बाई टू, माइनस वन से छोटी वैल्यू आएगी तो पॉसिबल होगी, तो ये एक वैल्यू पॉसिबल, और ये नेगेटिव है, ध्यान देना माइनस वन से ये बड़ी। साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है, अगर ग्राफ नहीं पता है फिर भी आपको पता है पीरियडिक फंक्शन, और हर उपाय के बाद में लगा को रिपीट करता है। ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे देखो, ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, हियर इधर माइनस पाई से 0 माइनस 2 पाई से 0, ऐसा ग्राफ। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव माइनस वन से बड़ी, ये रहा जस्ट माइनस वन, उससे बड़ी वैल्यू कहीं इधर आएगी कहीं ना कहीं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू इधर आएगी, ये एक्स होगा, ये एक्स इधर, ये एक्स होगा, तो या चार एक्स की ऐसी वैल्यू है वन टू थ्री फोर, जहां पे उसकी वैल्यू है वो ये। आज समझ आई? तो माइनस टू बाई से टू बाई के बीच में कितने सोल्यूशन होंगे? क्या बात समझ आई? अभी भी किसी को डाउट है तो आप बिंदास सर, तो बीच में मैटर्स को लेकर चला श्री धरा जाए, श्री धरा का आया काम से ये से आया परफेक्ट स्क्वायर क्लास में किया था। हां बोल सर, फिर पूरा फिर से एक्सप्लेन करो ध्यान। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन बाय फोर एंड माइनस वन बाय माइनस वन, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ये माइनस वन बाय फोर माइनस वन माइनस फाइव बाय फोर, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो प्लस फाइव बाय फोर, और बोथ साइड स्क्वायर तो साइन एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव बाय फोर, ये रूट लग जाएगा इधर। अब रूट फाइव बाय फोर को रूट फाइव बाय टू लिख सकता हूँ, अब साइन एक्स ये वन बाय टू को इधर शिफ्ट किया तो ये वन बाय टू ऐसे आ जाएगा, ये तो है ही और इसका भी वन बाय टू ऐसे आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन प्लस रूट फाइव बाय टू
फोर एक्स प्लस फोर हो ही नहीं सकता, वन माइनस रूट फाइव बाई टू हो सकता है, इसकी वैल्यू हो गई 2.23, 1 माइनस 2.23 बाय 2 माइनस 1.23 बाय 2, तो 0. माइनस 0. समथिंग कुछ वैल्यू, तो यहां पे आएगी वो माइनस 0. समथिंग कुछ इधर, और ये माइनस 1 तो इधर। अब ये वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब x क्या हो, ये हो, जब ये हो, ये हो, ये मैंने सिर्फ इसके लिए फाइंड किया माइनस 2 पाई से। अगर आपको माइनस पाई से पाई बोला होता तो कितने सॉल्यूशन होते इसके, टू, और जीरो से पाई बोला होता तो, जीरो से पाई पूछा होता तो कितने सॉल्यूशन होते, एक मिनट, जीरो से पाई के बीच में कहाँ है नेगेटिव, साइन थीटा जीरो से पाई में नेगेटिव होता ही नहीं, पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है। वन प्लस रूट फाइव की वैल्यू 2.23 बाय 2, जो भी 3.23 बाय 2, तो 1.5 समथिंग है, उसकी वैल्यू साइन थीटा की पॉसिबल ही नहीं, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी नहीं होती। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाता कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो कितने सॉल्यूशन मिलते, इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, नो सॉल्यूशन, ये रहा माइनस पाई बाय टू और ये पाई बाय टू, एक सॉल्यूशन मिल तो रहा है, क्यों नहीं मिलता, माइनस पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, हमको माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो माइनस वन पे पहुंचने से पहले उस थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से तो निकला होगा ग्राफ, डायरेक्ट पहुंच गया, बात समझ आई। अब से तू बता, अगर ये इंटरवल है 0 से 3 पाई बाय 2 होता तो कितने सॉल्यूशन मिलते, 3 पाई बाय 3 और तू बता कितने सॉल्यूशन, मेरे से 3 पाई बाय 2 इंटरवल होता तो कितने सॉल्यूशन होते, 2 सॉल्यूशन, ग्राफ देख के बता रहा है, बता दो 1 सॉल्यूशन, वेरी गुड, ये दिख तो रहा है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये पाई है, अब बताओ ये पाई, ये पाई बाय 0 माइनस पाई बाय 2, ये पाई से ये 2 पाई, इधर 3 पाई बाय 2, तो यहां से यहां तक ये कितना सॉल्यूशन है, ये यस सर, अगर माइनस 3 पाई बाय 2 से अगर 3 पाई बाय 2 पूछा होता इधर से लेके इधर तक तो कितने सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन है, बात समझ आई, यस सर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आज सब लोग फॉर्मूले सारे लर्न हो गए, लगभग मैं इवनिंग वाली क्लास में पूछूंगा भी, आपको टू साइन है कॉस भी वाले फॉर्मूले, ठीक है, आज आपको सबको सारे काम छोड़ के मैथ्स के रास्ते पे भी लिख सकते हो, अपनी बाइक पे, साइकिल पे, स्कूटी पे कहीं भी लिख सकते हो,
आज पैकेट हमने कपड़ों पे बना सकते हो, मोबाइल का वॉल रजनी की तरह यहाँ बना सकते हो, और प्लस ये कितना लिखूंगा ये मानसी बताए, इधर कितना लिखूंगा ये भी मानसी, इधर कितना लिखूंगा ये भी मानसी, मेरे पास फाइव है क्लियर, फाइव है ना आपके पास। अब आपको यहाँ पे नाइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स प्लस कौन से टर्म ऐसे लिखनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन, क्या लिखो कौन से टर्म, कितना ध्यान से बता परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूछ रहा हूँ, ये देखो ये क्या होगा 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 2 into 3 cos x प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 into sec y into 2 प्लस 2 स्क्वायर, लिखेंगे यस सर, a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी हो जाएगा थ्री कॉस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सेक वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू। आप लोगों ने ये इक्वेशन वगैरह की आइडेंटिटी अलग की प्रैक्टिस नहीं की टेंथ क्लास में, की थी ना, टेंथ क्लास में भी एक क्लास देनी पड़ेगी। अब ये प्लस ये इक्वल टू जीरो है, ये कब पॉसिबल, सभी का एडिशन जीरो, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कब हो सकता है, जब दोनों ही को जीरो, अभी पॉसिबल है, इसका मतलब सी एक्स डी कॉस एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए जीरो, और सेक वाई माइनस टू क्या होना चाहिए जीरो, सेक वाई क्या होगा और कॉस एक्स क्या होगा, अब ध्यान से सुनो क्या बोला है, जीरो से टू बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू 1 by 3 0 से 2 by में कितने टाइम्स मिलेंगे, कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से 2 by में cos x 1 by 3 बोलो जल्दी, cos x का ग्राफ अगर आपको नहीं ध्यान है तो देखो बता 2 टाइम्स 2 टाइम्स होते हैं, ये pi by 2 ये pi ये 3 pi by 2 और ये 2 pi ये 1 ये minus 2 बोलो 1 बाय 3 चाहिए, cos x की वैल्यू 1 बाय 3 ये 1 है तो 1 बाय 3 का इधर होगा यस 1 बाय 3 तो 1 बाय 2 कितना टाइम मिलेगी 0 से 2 टाइम 2 टाइम इधर मिलेगी और एक इधर क्लियर यस डाउट। अब हम इनके वैल्यू एग्जैक्ट को नहीं पता क्या है, हम लोग x1 x2 लेके छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर वेयर, हम ये लेट करके चलते हैं कि ये x1 है ये x2 है, क्या बात समझ आई, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्डर पे पूछा। अब मुझे बताना sec of x sec of y equal to 2 sec थीटा का ग्राफ ध्यान है आपको ये होता है pi by 2 ये होता है 3 pi by 2 और ये होता है 2 pi by 2 ये होता है माइनस वन और ये होता है वन, वन और माइनस वन के बीच में कभी कोई वैल्यू नहीं,
क्या वैल्यू टू ए वन है तो टू इधर होगा कहीं उनको मिले देख लो जब x1 होगा तो x3 x4 आ सकता है जब x2 होगा तो x3 x4 आ सकता है फोर ऑर्डर पेयर बनेंगे किसी को डाउट है का एरिया थोड़ा वाइड करो अभी उपेंद्र ही नहीं होता तरीका बदलो दो सॉल्यूशन मिलेंगे इसके एक इधर और एक इधर ठीक है अब एक का नाम एक्स रख दिया एक का नाम एक्स हो सकता है तू यहाँ पे एंगल फाइंड कर पाए लेकिन यहाँ पे एंगल फाइंड नहीं कर पाए इसका एक्स वन एक्स टू नाम दे दे इसके साथ इसका नाम भी एक्स थ्री एक्स फोर दे दे क्योंकि मैं ऑर्डर पहले दे ठीक है पहले भी Thank you.
क्या लिख सकते हैं 16 cos square x को, आप इन दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट करो, जैसे ये 16 sin square x है, तो इसको लिखा 16 1 minus sin square x equal to 10, और इसको लिखा 16 sin square x plus 16 upon 16 sin square x equal to 10, ये लिख सकते हैं? Yes. अब इसके बाद देखो 16 साइंस पर एक्स को हम फोर डेज के लिए वायलेट करें ये वाय, ठीक है, जिसकी क्वाड्रेटिक बन जाए, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको 16 टू दी पावर साइंस पर एक्स लिखना पड़ेगा, इसकी वजह हम इसको ऐसा लिख लें कि ये वाय है, तो वाय प्लस 16 अपॉन वाय इक्वल टू 10 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के तो वाय स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10 वाय हो गया, देन वाय स्क्वायर माइनस 10 वाय प्लस 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाए, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, इन दोनों में से y कॉमन, ये मिलेगा y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 8 इक्वल टू 0, दो फैक्टर मिलेंगे y माइनस 8 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, या तो y भी 2 हो सकता है या फिर y 2 हो सकता है या फिर y 8 हो सकता है, y का मतलब है 16 टू दी पावर 16 to the power sin square x, clear, equal to 16 to the power sin square x equal to 8, अब देखना, तो क्या लिख सकते हैं, 16 to the power sin square x equal to 16 to the power 1 by 4, ऐसा लिख सकता हूँ, yes, इसको लिखा 16 to the power sin square x, और 16 to the power 3 by 4 3 by 4 लिख सकता हूँ, ये ऐसे बनेगा 16 to the power 3 by 4 का मतलब होता है 16 to the power 1 by 4 और उसका क्यूब, 16 to the power 1 by 4 का मतलब 2 का क्यूब, वही हुआ, yes. अब sin square x क्या क्या हो सकता है, sin square x 1 by 4 हो सकता है और sin square x 3 by 4 हो सकता है, sin x क्या क्या हो सकता है, plus minus 1 by 2 हो सकता है और sin x plus minus 3 by 4 हो सकता है, अब आपको बताना है number of solution in 0 से 2 पर, देखना 0 से 2 पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये 0 से 5 और 5 से ये 2 पर, 0 से 2 पर, अब sin x equal to 1 by 2 है तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 2, ये रहा 1 by 2, ये रहा 1, ये minus 1 by 2, ये minus, जब 2 है तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, yes, जब minus 1 by 2 है तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, yes, clear, yes, जब root 3 by 2 है तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, yes, ये root 3 by 2, जब minus root 3 by 2 है तो आपको 2 वैल्यू, total कितने solution, 8, number of solution, बात समझ आई, बाकी ये दोनों आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर